बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आप नेशन बिल्डर्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये 24 मरला क्लासिक डिज़ाइनर हाउस है। इसकी अकोमोडेशन 3x3 6 बेडरूम विद डबल पाउडर रूम। इसके अलावा इसमें आपको 2 टीवी लाउंज और 2 किचन मिलते हैं। क्योंकि ये घर डबल यूनिट है, इसलिए इसकी सेपरेट एंट्रेंस दी गई है। और इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन, मज़ीद डिटेल्स वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर की जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें। इसका एलिवेशन आप देख सकते हैं, जो ग्राफिक और टाइल का यूज़ किया गया है। मेन गेट इसका रॉट आयरन से डिज़ाइन किया गया है और इसके ऊपर बहुत ही डिसेंट पेंट यूज़ किया गया है। एक्सटर्नल लॉन आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्लांटिंग की गई है, वॉल पे मोल्डिंग की गई है और ग्राफी यूज़ की गई है। और इसका आप गैराज देख सकते हैं, इसमें 4 कार की जो है ना बड़ी इजीली पार्किंग स्पेस दी गई है। इसकी जो वॉल है उस पर आप देखें तो डिसेंट इसमें आपको डिज़ाइनिंग मिलती है। और इसकी सीलिंग, ये इसका इंटरनल लॉन है जिसमें बहुत ही खूबसूरत प्लांटिंग की गई है। ये घर क्योंकि पैटर्न से हट के है, 4 मरला इसमें स्पेस ज़्यादा है, तो इसलिए इसका आपको गैराज भी बड़ा नज़र आ रहा है और इसके अलावा इसका इंटरनल लॉन भी बड़ा दिया गया है। और अब इस घर को देखते हैं अंदर से। ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर, ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं, सॉलिड एश वुड का इसका मेन डोर दिया गया है। ये इस घर की मेन एंट्रेंस लॉबी। यहाँ मैं आपको इस घर का लेआउट प्लान बता दूं। ये सामने आपको जो डोर नज़र आ रहा है टीवी लॉन, और राइट साइड पे ये डोर आपको नज़र आ रहे हैं 2, ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के कंबाइंड डोर दिए गए हैं। और इस साइड पर देखें तो ये लॉबी में आपको शैंडलियर नज़र आएगा, सामने आपको पाउडर रूम नज़र आएगा, और इसके अलावा एक और डोर नज़र आ रहा है जो कि इस घर का फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट किया गया है। और ये पीछे गली में भी एक डोर दिया गया है जो कि इस घर को बिल्कुल सेपरेट करता है। और ये फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स, गली से भी कनेक्टिविटी दी गई है और लॉबी से भी कनेक्टिविटी की गई है इस घर को। मेन लॉबी, मेन डोर, और ये इसका सामने पाउडर रूम देखें। डिसेंट इसमें टाइल का यूजेज किया गया है, ब्यूटीफुल वैनिटी और कमोड भी फिक्स किया गया है। और अब देखते हैं जी, इस घर में टीवी लॉन्च के बाद किचन और 3 बेडरूम दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग रूम। इसकी मेन एंट्रेंस के साथ ही ड्राइंग रूम दिया गया है। ये सामने आपको एक विंडो नज़र आ रही है, गार्डन का व्यू आप देख सकते हैं। वॉलपेपर यूज़ किया गया है, एसी इंस्टॉल किया गया है। सेंटर में फायरप्लेस दी गई है। इसमें आपको शैंडलियर नज़र आ रहा है। ये इसका डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी इस साइड पे भी फायरप्लेस दी गई है और वुडन फ्लोरिंग की गई है। और इसके साथ ही आप देखते हैं ये किचन, इंपोर्टेड किचन यहाँ पे फिक्स किया गया है। डिसेंट इसमें इंटीरियर किया गया है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। और ये इसका जी सामने शेफ किचन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इस साइड पे ये डोर दिया गया है और किचन का बाकी व्यू भी आप देख सकते हैं। ये सेंटर में आइलैंडर दिया गया है। इस साइड पे आप देखें तो आपको एक्सेसरीज देखने को मिल रही हैं, इन्वर्टर, फ्रिज दिया गया है। ये टीवी लॉन्च से कनेक्ट किया गया है इस डोर से, बट लॉबी से टीवी लॉन्च को देखते हैं। सामने डाइनिंग रूम और ये जी इस घर का टीवी लॉन्च। ब्यूटीफुल इसमें टाइल फ्लोरिंग की गई है। ये इसकी मीडिया वॉल, वॉलपेपर यूज़ किया गया है। और सामने आपको फायरप्लेस नज़र आ रही है, विंडो और एसी भी नज़र आ रहा है।
डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है। सामने यहाँ पे टीवी लॉन के साथ ही स्टोर दिया गया है। और ये लॉबी, लॉबी में आपको तीन बेडरूम नज़र आ रहे हैं, राइट साइड पे बिल्कुल सामने और लेफ्ट साइड पे। ये मास्टर बेडरूम, वुडन फ्लोरिंग की गई है। सामने इसकी मीडिया वॉल एसी इंस्टॉल किया गया है। और ये इसकी बेड वॉल सिंपली पेंट से डिज़ाइन की गई है। डिसेंट इसमें आपको सीलिंग नज़र आ रही है। और ये इसका अटैच बाथरूम, दरवाजे के साथ में ही यहाँ पे आपको वार्डरोब नज़र आ रही है। ये इसकी वैनिटी मिरर दिया गया है। सामने शावर कैबिन, जिकोजी, वेंटिलेशन के लिए विंडो। और ये आपको कमोड नज़र आ रहा है। और अब देखते हैं जी सेकंड बेडरूम, ये भी बिल्कुल साथ में ही दिया गया है। और इसमें भी सेम टाइल फ्लोरिंग की गई है, बहुत अच्छा इसका भी साइज़ दिया गया है। बेड वॉल पे पेंट यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको विंडो नज़र आ रही है। और ये इसकी सामने दी गई है मीडिया वॉल। और ये इसका अटैच बाथरूम। ये सामने इसकी वैनिटी देखें और इस साइड पे देखें तो ये शावर कैबिन और कमोड दिया गया है। अब देखते हैं जी इसका थर्ड बेडरूम, वो भी इसके बिल्कुल साथ में ही दिया गया है। इसकी भी बेड वॉल पे पेंट से डिज़ाइन किया गया है। सामने आप देखें तो विंडो में आपको डिसेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिल रही है। ये इसकी मीडिया वॉल और दरवाजे के साथ में ही ये वार्डरोब दी गई है। और अब देखते हैं जी इसका अटैच बाथरूम, इसको भी सेम पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया है। कमोड यहाँ पे आप देखें तो विंडो नज़र आ रही है। ये शावर कैबिन शीशे से कवर किया गया है। और ये खूबसूरत वैनिटी और मिरर दिया गया है। और अब देखते हैं जी इस घर का फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे तीन बेडरूम दिए गए हैं। प्रॉपर साइज़ का किचन दिया गया है, टीवी लाउंज दिया गया है। इसके अलावा ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम कंबाइन किए गए हैं, स्टोर दिया गया है। और ये इस घर की मेन एंट्रेंस और ये इसकी सेपरेट एंट्रेंस। सामने आपको डोर नज़र आ रहा है। अगर आप इस घर को रेंट आउट करना चाहते हैं या टू फैमिली स्टे करना चाहती हैं तो इस उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। स्टेयर पे ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। और अब देखते हैं जी फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी। यहाँ मैं आपको इसका लेआउट प्लान बता दूं। ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, इस साइड पे देखें तो आपको टीवी लाउंज, स्टोर और पीछे दो बेडरूम नज़र आएंगे। ये टेरेस दिया गया है, इसके अलावा एक और टेरेस भी दिया गया है। फ्रंट पे ये ड्राइंग रूम दिया गया है और एक बेडरूम ये फ्रंट पे दिया गया है। प्रॉपर इसमें टीवी लाउंज दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं जी ये इसका ड्राइंग रूम, वुडन फ्लोरिंग की गई है। सामने इसकी वॉल पेंट किया गया है, एसी आपको नज़र आ रहा है। फ्रंट पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल ही ये घर है। ये सामने इसकी मीडिया वॉल ब्यूटीफुल इसमें सीलिंग की गई है। और ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, इस घर का चौथा बेडरूम, इसमें भी सेम टाइल फ्लोरिंग की गई है। मीडिया वॉल इसी नज़र आ रहा है, साथ में आपको दो विंडो देखने को मिल रही हैं। ये इसकी वार्डरोब दी गई है। और ये सामने जी इसका अटैच बाथरूम दिया गया है। ये वैनिटी मिरर और इस साइड पे देखें तो ये इसका शावर एरिया ओपन छोड़ा गया है। और यहाँ पे आपको कमोड नज़र आ रहा है। और ये सामने आप देखें तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी स्पेस नज़र आ रही है। ये टेरेस दिया गया है। यहाँ इस स्पेस को भी आप अपने पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छे साइज़ का किचन देखने को मिल रहा है। प्रॉपर किचन दिया गया है जिसमें बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस दी गई है। एक्सेसरीज फिक्स की गई है। ये सामने विंडो दी गई है, सेंट्रल टेरेस
ये आपको नज़र आ रहा है। और अब देखते हैं जी इस घर का ये टीवी लॉन्च, फर्स्ट फ्लोर का टीवी लॉन्च, इसको भी प्रॉपर स्पेस दी गई है, ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है। फायरप्लेस आपको नज़र आ रही है, एसी, ब्यूटीफुल सीलिंग और शैंडलियर नज़र आ रहा है। और आप देखते हैं जी इसका ये सेंट्रल टेरेस, क्योंकि इस घर की जो प्लॉट साइज़ है वो एक कनाल से बड़ा है, चार मरला, तो यहाँ आपको बहुत अच्छी स्पेस मिलती है। ये सेंट्रल टेरेस, इसमें फायरप्लेस और प्लांटिंग की गई है, विंडो दी गई है और टीवी लॉन के साथ में ही। अब देखते हैं ये मास्टर बेडरूम, और यहाँ पे भी आपको सेम इंटीरियर और सेम इसकी प्लानिंग नज़र आ रही है, सेम ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेड की तर्ज पे इसको डिज़ाइन किया गया है। ये इसके साथ ही अटैच बाथरूम, इसमें भी सेम इंटीरियर किया गया है, ब्यूटीफुल इसमें आपको वैनिटी नज़र आ रही है, मिरर दिया गया है, सामने शावर कैबिन, शीशे से बिल्कुल इसको कवर किया गया है, जकूजी दी गई है, विंडो, कमोड दिया गया है। और इस साइड पे देखें तो ये पूरी वॉल में आपको वार्डरोब नज़र आ रही है। और अब देखते हैं ये इसका लास्ट बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे तीन बेडरूम दिए गए हैं और तीन बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे दिए गए हैं। ये इसका लास्ट बेडरूम, बहुत ही अच्छा है, इसका साइज़ निकाला गया है। और ये आप देख सकते हैं सामने विंडो दी गई है, और इस साइड पे देखें तो ये इसकी मीडिया वॉल और बेड वॉल पेंट की गई है, हैंगिंग लाइट्स दी गई हैं। और आप देखते हैं इसका ये अटैच बाथरूम, ब्यूटीफुल वैनिटी, और इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको कमोड नज़र आ रहा है। ये इसका शावर कैबिन दिया गया है, टॉप में शावर दिया गया है, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है। ये आपको सामने वार्डरोब नज़र आ रही है, और साथ में आपको विंडो वैनिटी, और ये जी इसका सिक्स्थ बेडरूम। सो व्यूअर, ये इस घर का टूर था। ये 24 मरला स्पेनिश डिज़ाइनर हाउस है, इसकी आस्किंग प्राइस 9.5 करोड़ है। डबल यूनिट ये हाउस है, तीन बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे और तीन बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे दिए गए हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे ड्राइंग रूम भी दिया गया है, प्रॉपर टीवी लाउंज भी दिया गया है, पाउडर रूम, स्टोर और सेंट्रल टेरेस की भी ये स्पेस दी गई है। ये इसकी स्टेयर्स, जो कि आपको इस पूरे फ्लोर को पूरे घर से सेपरेट कर देती हैं। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये इसका जो डोर है ये गली में ओपन होता है, ये इसकी सेपरेट एंट्रेंस, ये डोर सामने गली में ओपन होता है। ये सामने ये इसका गैराज दिया गया है। 9.5 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है, 6 बेडरूम इस घर की अकोमोडेशन है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।